कोर्ट ने विक्रम पी चंद्रा साहब की कोर्ट ने हमारी जो जमानत याचिका है उसको खारिज कर दी है। अब आगे हम इसमें जो भी लीगल रेमेडीज़ हैं हाई कोर्ट मूव करने की जो भी तैयारी है वो करेंगे और आगे मूव करेंगे। कुछ रिमार्क या जमानत कोर्ट ने बेसिकली इसलिए रिजेक्ट किए कि इसमें रात्रों की धारा कालीचरण महाराज के ऊपर लगाई गई है और जो भी न्याय सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स और न्याय दृष्टांत हमने रिफ़र किए थे वो कोर्ट का ये कहना है कि वो 7 साल तक की जो सज़ा है उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं अरेस्ट के संबंध में प्रोसीजर के संबंध में जो भी जजमेंट हमने साइड किए थे और उसके बेसिस में कोर्ट ने उसको डिफ्रेंशिएट करके ये कहा है कि ये सब सारे जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं इस केस में लागू नहीं होते और अरेस्ट का जो प्रोसीजर है प्रॉपरली फॉलो किया गया है और चूँकि लाइफ इंप्रिजनमेंट की धारा की पनिशमेंट है सेक्शन 124A के अंतर्गत इसलिए गंभीर प्रकृति का अपराध घटित किया है। इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है और चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। ये सब का कारण बताते हुए कोर्ट ने रिजेक्ट किया। आगे अब आप लोग क्या आगे अब यहाँ के बाद तो हाईकोर्ट ही है जो भी प्रोसीजर है सर्टिफाइड कॉपी ऑप्टेन करना उसके बाद हाईकोर्ट मूव करना यही। थाना टिकरापारा के अपराध क्रमांक 578/21 में कालीचरण जी के विरुद्ध धारा 294 153(1)(2), 153(1)(2), 153(1)(2), 295(124) भारतीय दंड विधान के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और उनका जो जमानत याचिका आज न्यायालय द्वादश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री विक्रम प्रताप चंद्रा के न्यायालय में सुनवाई के लिए रखा गया था और शासन की ओर से जो पुलिस डायरी के प्रतिवेदन के हिसाब से जो दस्तावेज आए थे उसका अवलोकन करते हुए माननीय न्यायालय ने धारा 124 को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडनीय अपराध होने के कारण से इस स्थिति में अभी विवेचना के स्तर पर होने के कारण से जमानत का आवेदन निरस्त किया गया है।